तो सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पीकर के अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को कायम रखा है, लेकिन विधायकों को उपचुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सभी अयोग्य विधायक चुनाव लड़ सकते हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायकों के लिए राहत भरी खबर लेकर आए। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही ठहराया, यानी कांग्रेस और जेडीएस के ये 17 विधायक अब अयोग्य साबित हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से विधायकों को कुछ राहत भी मिली है, जिसके तहत सभी दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे। The 17 MLA's disqualification proceedings, which were challenged before the Supreme Court had come about before the Honorable High Court today. It was listed for judgment. There are two aspects which was referred to in the judgment. One, the disqualification. Apparently, the Supreme Court has upheld the disqualification of these 17 MLA's. At the same time, their term of disqualification, which was mentioned by the speaker as 2023, year 2023, that has been set aside, and they are permitted to contest the elections in the forthcoming by-elections itself if they so choose to do. So the Honorable Supreme Court, having upheld the disqualification on one hand, has also granted a relief to these 17 MLAs that they can and they are not prohibited from contesting the elections. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, विधानसभा स्पीकर ये तय नहीं कर सकता कि विधायक कब तक चुनाव नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर पर तल्ख टिप्पणी की और कहा कि कभी कभी स्पीकर एक अथॉरिटी जैसे काम करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर विधायकों ने भी सहमति जताई है और फैसले का स्वागत किया है। दरअसल कर्नाटक में आने वाली 5 दिसंबर को 15 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अयोग्य करार दिए जा चुके ये विधायक इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्यों इन विधायकों को दिया गया था अयोग्य करार। राज्य में कुमारस्वामी की सरकार के दौरान सरकार की खींचतान के बीच कांग्रेस के 14 एडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और ठीक इसी के बाद विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने इन 17 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया, जिसके बाद ये तय हुआ कि इन सीटों पर उपचुनाव होना था। इस लंबे ड्रामे के बाद कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी और भाजपा ने एक बार फिर से सत्ता में एंट्री की थी। लंबे चले ड्रामे के बाद कर्नाटक में अब बीजेपी सरकार बना चुकी है। राज्य में 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें अब ये विधायक अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।